जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 गोपाल।
जिसका कोई जात पात ठीक नहीं, जिसको तिसको घर में ये घुस जाता है, और इसको ये तो द्वापर युग में क्या किया उसने, घर घर में जा करके मक्खन मिश्री दूध दही घर घर में खाया। अभी उसने ये वही अभी ब्राह्मण रूप में आया है, और आकर के देखो कैसे लीला कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने भाभा वेश को द्वारा उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का उन्होंने महिमा को उन्होंने गाए। गाने के बाद फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य आपस आपस में उन्होंने फिर आलिंगन किए, और जितने भक्त लोग थे सब भक्त लोग दर्शन करते हुए प्रसन्न हुए और बोले बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले जय श्री अद्वैत आचार्य की जय जय। बोले एक दिन महाप्रभु नित्यानंद संगे श्रीनिवास गृह बसी अच्छे नाना रंगे, आइला मुरारी गुप्त है नई समय प्रभुर चरण दंड प्रणाम है। श्रीमन महाप्रभु एक समय श्रीवास पंडित के घर में बड़े आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। बैठते समय इतने में श्री मुरारी गुप्ता आए, कहते मुरारी गुप्ता कौन कृष्ण लीला में, कहते श्री हनुमान जी, इसलिए श्री हनुमान जी। हनुमान जी अभी श्री मुरारी गुप्त रूप में आए। आ करके उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने आ करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर गए और श्री नित्यानंद प्रभु का चरण में उन्होंने प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मुरारी तुमने ये क्या किया, तुमसे जगत सीखते हैं हनुमान। मुरारी ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी कौन है, ये आदि गुरु हनुमान जी, ये शंकर ही कहते रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर को द्वारा हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, कहते उन्होंने प्रेम में बसीभूत होकर के रुद्र शरीर को त्याग करके उन्होंने श्री हनुमान जी बने, और हनुमान जी बनकर उन्होंने क्या किया, हर तरह से ऐसे कोई रूप नहीं जो उन्होंने जिस रूप में उन्होंने महा श्री रामचंद्र की सेवा नहीं किया, उनके प्रभु मान करके सेवा किया, सखा मान करके सेवा किया, सेवक मान करके सेवा किया, मित्र मान करके सेवा किया। अगर कहीं भगवान राम बैठते थे अपना पूछ से ही सुंदर छत्र बना देते हैं, अपना पूछ से कहीं अगर भगवान को जाना तो अपना कंधे पर बैठा करके भगवान को ले जाते थे। अगर कहीं खबर भेजना है तब ये स्वयं हनुमान जी व्यास जी को लेकर के जाते थे। ये हर तरह से उनने भगवान राम की उन्होंने सेवा की, इसलिए ये आदि गुरु हनुमान जी, इनके कृपा के बगैर राम भक्त किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए ये आदर्श रूप में गुरु है, इसलिए इनसे लोग को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोले तुमने ये क्या किया, जगत का तुम गुरु हो, तुमसे लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे और तुमने ये तो काम किया किया। तब श्री हनुमान श्री मुरारी गुप्त ने कहा प्रभु आप जैसे मेरे हृदय में प्रेरणा दिए हो मैं अपना प्रेरणा के अनुरूप मैंने ये प्रणाम किया, आपको प्रणाम किया, उसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। देखो ये बात हनुमान ही बता सकते हैं, आप जैसे मेरे हृदय में प्रेरणा दिया है वो प्रेरणा के अनुरूप मैंने किया है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। इसलिए लोग यही चीज को गलती करते हैं, कहते अरे उसके इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है ना, करी कराओ थाई मुई मोह बिना आर अन्न गति नाही। हाँ भगवान तो करी कराओ थाओ मुई, पर सब कुछ तो भगवान कराते हैं, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। लोग कभी कभी ये बात को गलत रास्ता पर ले जाते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं क्या है, रामायण सर्वभूतानि जंतर्वरानि मायाया, क्या श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि जंतर्वरानि मायाया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन
मैं सभी का हृदय में मैं निवास करता हूँ। लेकिन भगवान सभी को हृदय में निवास तो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ भगवान कराते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जंतर उड़ानी माया, कहती है माया को द्वारा मैंने ये जीवों को संसार में भ्रमण कराता हूँ। भगवान सभी को भगवान है नियंत्रण नहीं करते हैं, तो भगवान पर किसको चलाते हैं, भगवान केवल अपना जो शरणागत भक्त है जो भगवान की एकांत का शरणा भक्त भक्त हो, उन लोगों को भगवान जैसे करवाते हो वैसे कराते। फिर यहाँ प्रश्न है, फिर श्री मुरारी गुप्ता जी सबसे पहले महाप्रभु को क्यों प्रणाम किया, महाप्रभु को प्रणाम करके फिर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को फिर प्रणाम उन्होंने क्यों किया। कारण है ये जगत को अगर ये ऐसे नहीं करते है ना, फिर जगत को कुछ शिक्षा नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने महाप्रभु बोले ठीक है तुम जाओ, तुम घर में जाओ है, पर जैसे होगा वैसे कल करना। तो उन्होंने घर में चले गए, जब घर में चले गए रात को जो मुरारी गुप्ता शयन किया ना, इन्होंने इतने में उन्होंने दर्शन महाप्रभु दर्शन दिलाया। क्या दर्शन दिलाया, श्री नित्यानंद प्रभु मल्लभ वेश में है, मल्लभ वेश में एकदम कच्चा पहनी करके मल्लभ वेश में आगे 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 श्री नित्यानंद प्रभु जा रहे, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का सर के ऊपर छत्री धारण किए, छत्री धारण करते हुए चावर भजन करते हुए और नित्यानंद प्रभु के पीछे 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 चल रहे। इतने में मुरारी गुप्त तो दर्शन किया, दर्शन किया स्वयं महाप्रभु कहते बोले मुरारी ये मेरे बड़े भैया है, ये मेरे दाऊ भैया, बड़े भैया दाऊ दयाल है, ये मेरे बड़े भैया है, इसलिए मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका सेवक ही मेरे बड़े भैया है। इसलिए जब उन्होंने ये लीलाओं को दर्शन करके फिर उन्होंने फिर दूसरे दिन आया, जब दूसरे दिन आए फिर उन्होंने क्या देखा, बोले बसिया छे महाप्रभु कमल वदन दक्षिणे से नित्यानंद प्रसन्न वदन। देखा क्या देखा, बसिया छे महाप्रभु कमल वदन दक्षिणे से नित्यानंद प्रसन्न वदन दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर। देखा महाप्रभु कैसे बैठे हुए, महाप्रभु का दक्षिण दिशा में जगन्नाथ जी का दक्षिण तरफ बलदेव प्रभु है ना, इनका दक्षिण हाथ बलदेव प्रभु, इसलिए देखा श्री कौन बैठे हुए, श्री नित्यानंद प्रभु बैठे हुए उनकी दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में बैठे हुए बस याद से प्रसन्न बदन। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देख करके उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु के प्रणाम करते हुए फिर उन्होंने श्री महाप्रभु को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया इतने में महाप्रभु ने कहा तुमने क्या कर रहे हो, बोले प्रभु आप जैसे दिखाए मैं वैसे कर रहा हूँ, अब रात को दर्शन दिलाया ना है, दर्शन दिलाया इसलिए आपने जैसे बताया है ऐसे मैंने कर रहा हूँ, इसलिए महाप्रभु फिर उन्होंने प्रसन्न हो गए। तो नित्यानंद बोले प्रभु के प्रणाम, हाँ इसलिए जैसे सिखाया मैंने किया। इतने में महाप्रभु प्रसन्न होकर के मुरारी गुप्त को अपना प्रसादी तांबुल प्रदान किया और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भले यहाँ पर कह रहे हैं, हे न पुण्य कीर्ति प्रति अनादर जार से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार, गुप्त लखे सवार सिखाए भगवान सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान। कहते हे न पुण्य कीर्ति प्रति अनादर जार, कहते ऐसे जो श्रीमान नित्यानंद प्रभु है, कहते ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु स्वयं जिनको प्रणाम करते हैं, महाप्रभु आदर देते हैं, कहते ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु का प्रति जो अनादर है, बोले से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार, कहते वो कभी भी मुरारी गुप्त वो कभी भी मेरे को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए गुप्त लखे सवार सिखाए भगवान सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसको गुप्त रूप में क्या भगवान दुनिया को क्या सिखा रहे हैं, कहते ये जो नित्यानंद प्रभु है ये क्या है, कहते ये मेरे सेवक है, लीला है, स्थान है, नित्यानंद प्रभु ही मेरा जीवन का ये सब कुछ श्री नित्यानंद प्रभु है। इसलिए नित्यानंद जहां तिले का द्वेष रहे दास है लो सही मोर प्रिय नहीं। अगर श्री नित्यानंद प्रभु का प्रति अगर थोड़ी सी किसी का कोई द्वेष हो, उनका प्रति अनादर भाव हो,
महाप्रभु कहते दास हई ले ओ, वो व्यक्ति मेरा दास होने पर भी कहते वो मेरे प्रिय नहीं। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु का आदर करते हैं वो मेरे को आदर करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। जय बोले एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भवावेश में आकर के क्या कर रहे हैं, बोले न्यासीर प्रकाशानंद बसहि काशी ते, मोर खंड खंड बेटा करे भाल मते, पढ़ाई वेदांत मोर विग्रह ना माने, कुष्ठ कराइलु अंगो तब नाही जाने। महाप्रभु भावावेश में बैठी करके महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बोले काशी में ये बेटा प्रकाश आनंद क्या कर रहा है, कहते मेरे शरीर को फोटी फोटी करके मेरे शरीर को वो काट रहा है, कहते वेदांत तो पढ़ाता है लेकिन ये मेरे विग्रह को नहीं मानता है, इसलिए मैंने क्या किया उसका सारा शरीर मैंने कुष्ठ व्याधि कर दिया। कहते जो कुष्ठ व्याधि है ना, कहते दूसरे दूसरे रोग तो सही हो जाता है लेकिन जो कुष्ठ व्याधि जो कूर है ना ये सच में सही नहीं होता। कहते ये कूर कब होता है, कहते दो स्थान पर होता है, कब, अगर वैष्णव चरण में अपराध हो, अगर भगवत चरण में अपराध हो ना, कहते ये तब ये कुष्ठ व्याधि होता है। इसलिए श्रीवास पंडित को जो उन्होंने बदनाम कराया, किसी ने, गोपाल चापाल ने जब उनको नाम पर बदनाम कराया है, उनको घर को सामने रात को मदिरा मांस जवा फूल रख दिया, रख करके सवेरे होते ही लोगों को बुलाया, बोले देखो तुम लोग सोचते हो कि रात भर कीर्तन करते, कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं करते, ढोंगर जाते, देखो ये सब क्या कर रहे थे हैं, ये पंचमकार है पूजा करते हैं और देवी की पूजा करके स्वर्ग से अप्सरियों को सुंदर सुंदर स्त्रियों को बुला करके उनको भोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है रात भर ये हरि कीर्तन करते हैं, रात भर हरि नाम करते, कुछ हरि नाम परिणाम कुछ नहीं करते, ये सब ढोंगी बदमाश सब के सब। इसलिए क्या हो गया, वैष्णव चरण में अपराध हो गया तो उनको नाक कान गल गया है, उसको गला गल गया, सब गल गया और उसमें कीड़े बन गए। इसलिए कहते सबसे जो खतरा है वैष्णव अपराध है, इसलिए कभी वैष्णव अपराध हमें नहीं करनी चाहिए। और जो भगवान को निंदा करते हैं, भगवान का विग्रह को जो नित्य तत्व नहीं मानते हैं, यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं बेटा उसको शरीर में मैंने कुष्ठ व्याधि कर दिया है, कूड़ कर दिया, तभी भी वो व्यक्ति अभी मेरा अभी भी तभी उसको समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते मायावादियों का फिलोसफी क्या है, उनका फिलोसफी है जो जीव है ना, इसलिए अगर किसको वो देखें तो नमो नारायण, नमो नारायण, सबको नारायण मानते हैं, बोले क्यों, बोले ये जीव क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्मा, निश्चित रूप में सब कुछ ही ब्रह्म है, लेकिन अभी क्या हुआ वो ब्रह्म को अभी माया ने पकड़ लिया, माया ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, माया विकृत होकर भी जीव हो गया है अभी यही जीव। इसलिए इसलिए कोई जीव को देखेंगे ना नम नारायण, तो भी नारायण मैं भी नारायण है, तो भी नारायण सब नारायण नारायण सब नारायण मैं सब के सब नारायण। इसलिए जब इनको कहते ये राम और कृष्ण को, बोले ये भी ब्रह्म थे, ये भी ब्रह्म थे, अभी उनको जब माया ने पकड़ लिया क्या हुआ, अभी वही माया पकड़ने पर ब्रह्म ही अभी ये राम और कृष्ण रूप में आया जगत, ये राम कृष्ण का जो मुक्ति हो जाएगा ना, ये भी क्या होगा जाकर के लास्ट में इसी ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा, और हम लोग बस हम भी एक दिन जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाए। इसलिए भगवान की जो लीला है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जैसे जो मायावादी लोग भी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाते, बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं, क्यों कथा सुनाते हैं भैया, अगर ब्रज में जाओगे ना मायावादी लोग बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाते हैं, बोले क्यों, बोले कृष्ण कथा नहीं सुनाएंगे तो इनका इनको पैसा ही नहीं मिलेगा, इनको माल ही नहीं मिलेगा, लेकिन जो कृष्ण का जो नाम उनका जो रूप है उनको जो लीला है उनका जो गुण है उसको अनित्य मानते हैं, उनको अनित्य मानते हैं, इसलिए कहते हैं इसलिए कृष्ण का जो सुंदर सुंदर लीला की है, जो प्यारी प्यारी भगवान ने लीला की है
वो क्या सोचते हैं, जो लीला भी अनित्य है, क्योंकि ब्रह्म को अभी माया पकड़ लिया, चूंकि ब्रह्म ही अभी माया में अधीनता स्वीकार करके अभी ये कृष्ण राम बन गए, इसलिए इनका जितने जो रूप गुण लीलाएं ना सब जुटा है, क्योंकि इनकी जब मुक्ति हो जाएगी ये भी एक दिन ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अतः इनका जितने नाम रूप गुण लीला सब के सब ये झूठा, ये सब के सब ये मिथ्या है। इसलिए यह महाप्रभु कह रहे हैं कहते वो लोग जो मेरे स्तुति करते हैं कहते जैसे मेरे शरीर में तीर झूकता है, क्योंकि मेरे लीला को ये नित्य नहीं मानते, सत्य नहीं मानते हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कुष्ठ कराए लो अंग तब ही नहीं ना चले। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं जो ब्रह्म सूत्र हैं वो लोग ज्यादा करके ब्रह्म सूत्रों का ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो नित्वाद अनावृत शब्दात कहते, ये लोग क्या करते ज्यादा करके शंकराचार्य का जो भाष्य है विशेष करके ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर में सब कुछ उन्होंने ब्रह्म 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 और ब्रह्म पर उन्होंने व्याख्या किया। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कहते ब्रह्म सूत्र का जो तात्पर्य कौन है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणा भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सो वेदार्थ परिवर्तित। कहते ये श्रीमद भागवत क्या है, कहते जो श्रीमद भागवत है ये अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ ये भागवत है, इसलिए भागवत किसने बनाया, किसने कहते व्यास देव जी ने, ब्रह्म सूत्र को भागवत को बनाया किसने, व्यास देव जी ने भागवत को बनाए। जब व्यास देव भागवत को बनाए बोले क्यों बनाए, बोले ये ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ ये भागवत है भागवत है, नहीं तो अगर व्यास देव अगर ये भागवत नहीं बनाते ब्रह्म सूत्र का अर्थ लोगों को पता ही नहीं चलता है, लोगों को ये पता ही नहीं चलता, इसलिए व्यास देव स्वयं बनाए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए भागवत में क्या बताया, बदंती तत्त्व विदस तत्त्वम जज ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मति परमात्मति भगवानति शब्दति। इसलिए भागवत में ये बताया, क्या बताया, बोले बदंती तत्त्व विदस तत्त्व है, जो तत्व ज्ञानी लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व एक ही तत्व, एक तत्व होते हुए भी इनकी तीन प्रकाश है, एक है इनकी परमात्मा प्रकाश, एक है ब्रह्मा प्रकाश और एक उनकी भगवत प्रकाश, इनका तीन एक ही भगवान उनका तीन प्रकाश है। इसलिए जो योगी लोग हैं वो एक ही भगवान को किस रूप में दर्शन करते हैं, कहते अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में उनको दर्शन करते हैं, और जो ज्ञानी लोग उनको कैसे दर्शन करते हैं, उनको निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन उनको भक्त लोग कैसे दर्शन करते हैं, भक्त लोग दर्शन करते हैं जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी है। इसलिए जो भक्त लोग एक ही ब्रह्म को बड़े सुंदर श्याम सुंदर रूप में बराह पीड़ा मंडट वर बभु करनयो कर्णिकारम विभ्रत भास कनक कवि स्वयं वैजयंती च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशस्तद गीत कहते एक ही भगवान को भक्त लोग बड़े सुंदर श्याम सुंदर रूप में उनको दर्शन करते हैं, बड़े प्यार रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक दो उदाहरण दे करके बताए हैं, उदाहरण क्या दिया, उदाहरण दिया जैसे कि ट्रेन है, कुछ लोगों ने सुना पहले ट्रेन नहीं था, सुना भाई ट्रेन आ रहा है, हो गया था रात, इतने में गांव के कुछ लोग भागते भागते गए ट्रेन देखने के लिए, जब ट्रेन देखने के लिए गए आप देखना ट्रेन के सामने एक बहुत बड़ा लाइट जला हुआ रहता है, कुछ लोग जब गए थे दूर से देखा कि ट्रेन आ रहे हैं, लेकिन रात था, लेकिन उन्होंने क्या देखा उसको सामने एक लाइट जल रहा है, कुछ लोग वहीं से वापस चले गए, गांव के लोगों ने पूछा ट्रेन देखा, बोला आप देख कर क्या, बोले क्या, बोले देखा कि लाइट ऐसा जल रहा था, लेकिन और कुछ लोगों ने सोचे नहीं और थोड़ा रुक जाते हैं और क्या होगा, और कुछ लोग रुके, उन्होंने देखा ट्रेन को, उन्होंने देखा कैसे ट्रेन देखा वो लंबे लंबे डिब्बे हैं, बोले ये ट्रेन है, वो लोग भी वापस आ गए, उनको पूछा गया ट्रेन देखा, बोले हाँ देखा वो लंबे लंबे डिब्बे जैसे,
और कुछ लोग रुक गए, रुक करके बोले नहीं आउटसाइड रुक करके देखते हैं। जब रुके फिर उन्होंने जब देखा गाड़ी ट्रेन आकर खड़ी हुई, जब उसको अंदर में गए ना एसी रूम था वो, उसको अंदर में गए बोले बाबा रे सुंदर एसी है और बड़े सुंदर है, उसमें 3 टायर 2 टायर वहां पर फर्स्ट क्लास है और उसको अंदर में खाना भी आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर थाली में खाना भी देते हैं, अंदर में खा रहे हैं और बड़े सुंदर वहां पर टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम बड़े सुंदर है, अंदर में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। क्या देखो तीनों व्यक्ति ने ट्रेंड देखा है, लेकिन देखने पर भी क्या तीनों को क्या देखना बराबर है क्या? इसलिए कहते उनको जो दूर से देख लिया, क्या उनको देखा? कहते कि ज्योति स्वरूप। इसलिए कहते ना जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदम तत्वस्य, श्लोक याद है? इसलिए कहते जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदम तत्वस्य धन्यवाद। जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म क्या है? कहते तनुभा, बोले उनकी अंग कांति है, बोले ज्योतिर अभ्यंतर मध्ये अतुल श्याम सुंदर रूपम। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे सूरज है, सूरज हमें कैसे दिखता है दूर से? एक लाइट केवल दिखता है, केवल एक लाइट दिखता है। क्या सूरज लाइट ही है? नहीं, उसके अंदर में उनका पत्नी भी है, उनका बच्चे भी है, बड़ी सुंदर रथ लगा हुआ है, उनके 9 घोड़े हैं, और सूर्य देवता बीच में बैठते हैं, उनका बीवी बच्चे बड़े सुंदर स्थान वहां पर अपना परिवार को साथ में रहते हैं। लेकिन हमें सूरज क्या दिखता है दूर से? एक केवल एक लाइट दिखता है और हमें कोई नहीं दिखता है। इसलिए बोले जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्वस्य तनुभा, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, ये भगवान इतने प्रकाशशील है, इतने प्रकाशशील भगवान जिनकी शरीर की अंग की ज्योति ही ये ब्रह्म है। कहते जो परमात्मा कहते उनकी अंश, लेकिन जो सड़ो ईश्वर जो पूर्ण है, सड़ ऐश्वर्य जो पूर्ण जो भगवान कृष्ण है, ये भक्त लोग उनको सड़ ऐश्वर्य जो पूर्ण रूप में दर्शन करते हैं ना। इसलिए कहते ज्ञानी के बोले लाइट दर्शन किया, योगी क्या दर्शन करता है? इसलिए कृष्ण गीता में कहते कर्म व्यस्त अधिक योगी है। इसलिए कहते हैं अर्जुन ये कर्मी से ये जोगी श्रेष्ठ है, लेकिन जोगी नाम अपि सर्वेषां मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमोवता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये मेरे मत है, क्या है? कहते ये कर्मी भ्यस्य अधिक और जोगी, कर्मी से जोगी श्रेष्ठ, लेकिन जोगी से है, जोगी से एक ज्ञानी श्रेष्ठ, लेकिन ये जोगियों का अंदर में भी जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ, ये मेरे मत है, ये मेरे मत है। इसलिए यहाँ पर कहते और उनको ज्ञानी लोग उनको किस रूप में दर्शन करते? ज्योति रूप में। इसलिए उनसे श्रेष्ठ कहते जोगी, जोगी लोग उनको दर्शन करते हैं ये अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में, लेकिन उनको जो पूर्ण रूप में जैसे जो ट्रेन को अंदर में घुसे बड़े सुंदर घर देखा, लोग खा रहे हैं सो रहे हैं, कहते पूर्ण रूप में किसने देखा? जिसने अंदर में गया। कहते ठीक वैसे ही वो एक ही भगवान है, लेकिन वो 3 रूप में प्रकाश है। जोगियों के लिए ये कौन है? परमात्मा। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म और भक्त के लिए ये भगवान। इसलिए किसी शास्त्र में कहीं ज्ञानी का भगवान कहीं नहीं बताया, बताया भी नहीं। किसने कहा जोगी का भगवान? कोई बताया? किसने कहा कर्मी का भगवान? क्या कोई बताए? कोई नहीं बताया। किसके भगवान? भक्त का भगवान। इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि जय। इसलिए यहाँ पर मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो श्रीमद भागवत है वो क्या है? कि ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य, कि ये भागवत है, और भागवत में भगवान की जो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान की जो अपूर्व रूप को जिसमें श्रीमद भागवत ग्रंथ में सर्वत्र इनकी दिव्य रूप की वर्णना की गई है। ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश महाराज भरत महाराज, फिर ब्रज गोपी कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, कैसे पुतना को मारते हैं, कैसे भगवान लीला करते हैं। कहते किसी ने लिखा? बोले व्यास देव जी नहीं, कहते ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य रूप में श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना किया, और जिस भागवत ग्रंथ में दिव्य भक्ति भगवत प्रेम को ही भागवत में स्थापना की गई। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, क्या महाप्रभु कह रहे हैं?
यद अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगते बैसे, तहा मिथ्या बोले बेटा के मने साजे। ये मुरारी गुप्त को कह रहे, बोले मुरारी कद अनंत ब्रह्मांड जे अंगते बैसे, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के ना जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति विरणम जत ब्रह्मा गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। हैं, इसलिए कहते भगवान के शरीर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, इसलिए भगवान विराट को दिखाए ना, बोले अर्जुन देख ले मैं कौन हूँ, भैया जसोदा को भी दिखाया, अर्जुन को भी दिखाया, बोले देखो मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रक्तम सूत्रे मणिगणाय। जैसे एक धागा को अवलंबन करते करते एक फूल को दे 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 करके सुंदर माला बनाते हैं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है अर्जुन, मेरे से कोई परतत्व जगत पूछो है नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांड मोर अंगत वैसे, तहा मिथ्या बोले बेटा के मन साहसे, कहते दुष्ट किस सांस से मेरे शरीर को अनित्य कहता है, सत्य कहो मुरारी अमार तुम्हें दास, जिना माने मोर अंग सही जाए नाश। महाप्रभु कह रहे मुरारी मैं तुमको सच सच बता रहा हूँ, बोले क्या बता रहा हूँ, बोले तुम मेरे दास हो, जेना माने मोर अंग सही जाए नाश, जो मेरे अंग को स्वीकार नहीं करते हैं उसको क्या होता है, उसका नाश हो जाता है, हैं इनको नाश हो जाता है। इसलिए इन लोगों का गति क्या है, जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते हैं, इनका क्या गति, गति ब्रह्म साजिज को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म साजिज को प्राप्त करते हैं, जाकर उसको जो मतलब मिल जाना, उसे मिल जाते, मिलकर क्या होता है, ये शराब पी करके, अरे शराब पी करके एक शराबी पड़े रहते हैं ना, जैसे एक पत्थर जैसे पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, तेसाम अव्यक्त चित्त नाम अव्यक्तम ही गतिर दुख। हे अर्जुन, मेरे जो ये अव्यक्त स्वरूप को, निराकार निर्विशेष स्वरूप को जो उपासना करते हैं, अव्यक्त ही गतिर दुखम, इनका जो परिणाम है दुख ही इनका परिणाम, दुख है इनका परिणाम सुख नहीं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं उसका जाय नाश। आज अज भवान्तर प्रभुर विग्रह से सेवे, जे विग्रह प्राण करी पूजे सर्व देवे, कद जिस शरीर को शंकर जी स्वयं ब्रह्मा है, जिस विग्रह को स्वयं हनुमान जी जिस विग्रह का सेवा करते हैं, हैं कद क्या करते, प्राण करी पूजे सर्व देव पुण्य पवित्रता पाए जे अंग परसे, कद भगवान का स्पर्श से क्या होता है, भगवान के स्पर्श से जीव को परम पवित्रता प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं जस मरत पुण्डरीकाक्षम सब आय आवत्र सूचि, कहते केवल उनका नाम लेते ही बाहर भीतर से पवित्र हो जाते, केवल उनका नाम लेते हैं और उनका शरीर को स्पर्श से है, जब भगवान शरीर स्पर्श करते हैं बस भक्त तो प्रेम से विभोर होकर के है बेहोश हो जाते हैं, भक्त लोग भगवान का स्पर्श पा करके। इसलिए तहा मिथ्या बोले बेटा के मन साहस, कहते बेटा किस साहस से ये शरीर को ये झूठा बोलता है, सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान, यहाँ मिथ्या बोले मोर करे खान खान, कहते सत्य मोर लीला, कहते मेरे जो लीला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह बेति तत्वतः देखत्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म लीला ये नित्य है, इसलिए हम वो कथा सुनाते ना, जैसे जब कृष्ण जब लीला कर रहे थे, जब कृष्ण करवट लिया इतने में अंगिरा ऋषि और श्री नारद जी आए, और इतने में कृष्ण करवट लिया पेट के सहारा से धीरे धीरे चल रहे थे, चलते चलते अभी देहली को पार करना चाहते, लेकिन देहली के ऊपर में ठाकुर तो आ गए, छाती के ऊपर में घिसते घिसते, लेकिन आधा शरीर बाहर और आधा भीतर, अभी देहली था ऊंचाई चौखट ऊंचाई था, कृष्ण तो इसको लटक गए, अभी बाहर नहीं जा पा रहे अंदर भी नहीं आ पा रहे और रो रहे रोने लग गए। इतने में जो अंगिरा ऋषि और नारद जी आए थे, और नारद तो देख करके हा 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 करके जोर जोर से हंसे, थोड़ी देरी बाद में जोर जोर से रोए। अंगिरा ऋषि पूछा प्रभु पहले हंसे फिर रोए क्यों, बोले हंसे क्यों, बोले भक्तों का सौभाग्य को सोच देख देख करके भगवान ये लीला क्यों करते हैं,
जिनका नाम लेने से जीव भवसागर पार हो जाते, क्या चौगड़ों के पार नहीं हो सकते? केवल अपना भक्त लोग इस लीला को चिंतन करते 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 अपना चित्त उसमें डूब देते हैं, उसमें डूब देते हैं, सब भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग अब रो रहे थे, क्यों? बोले ये ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी भगवान को निराकार निर्विशेष हाँ ज्योति स्वरूप मानते हैं, ये प्रभु का लीला को नित्य नहीं मानते, स्मरण नहीं करते हैं, कहते उनको दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा हूँ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मेरे लीला कर्म सत्यम और स्थान या मिथ्या बोले मेरे करे खान खान, लेकिन मेरे धाम को मेरे भक्तों को मेरे को ये झूठा बोलते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, मेरे शरीर को बोटी बोटी कर काटते हैं, जिस जस श्रवण आदि अविद्या विनाश है, पापी अध्यापक बोले मिथ्या से विलास। भगवान की कथा श्रवण करते करते क्या होता है, जीव भवसागर से पार हो जाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या बोले, बोले तुम कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी कोई ध्यान यज्ञ दान कुछ भी मत करो, केवल बैठो भगवान के अमृतमय जसों को कथा सुनो, नित्यम भागवत से भया है भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नैष्ठिक। इसलिए भागवत कथा को सुनते रहो, भगवान की कथा लीला कथा चिंतन करते करते सुनते सुनते भगवान क्या करते हैं, विद्यत हृदय ग्रंथि छिंदति सर्व संशया, कान को माध्यम से भगवान हृदय में जाते हैं और हृदय में जा करके हृदय का सारे अपवित्रता को नष्ट करके एक दिन भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा केवल श्रवण करते करते जब तक तुमको ये विश्वास नहीं हो जाता है मैं भी संसार से पार नहीं हो गया, तुमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए परीक्षित महाराज क्या किया, केवल कथा सुनते 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 अपना मन को भगवान के चरण में डुबो दिया उन्होंने, और उनके लिए लास्ट में क्या हुआ, बोलो के वृंदावन से विमान आए, राधा रानी की एक सखी बन करके बैठे और सीधा भगवान धाम। अब ब्रह्मा जी जब देखे बोले क्या, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, केवल बैठे कथा सुने और कुछ तो किया ही नहीं, और तो कुछ तो करने केवल बैठ कर कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते 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 भूर भुव मोह जन तप सत्य पार करते गोलोक वृंदावन, केवल कथा सुनते। इसलिए श्रीनुताम श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, इसलिए विधुनति श्रुति सताम है, इसलिए केवल कथा। फिर उन्होंने तराजू ली, तराजू का एक तरफ में सारे सत्कर्म को धरे, दूसरे तरफ में केवल भगवत कथा सुनने का फल धरे, तो एकदम पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और सारे सत्कर्म हल्का हो गया। बोले वाह वाह, मतलब भगवत कथा श्रवण से और बड़ा चीज जगत में कुछ है नहीं है। इसलिए वहां प्रभु कह रहे हैं जिस जस श्रवण आदि अविद्या विनाश, कहते भगवत कथा श्रवण करते करते हृदय का सारे अविद्या दूरीभूत हो जाता है, और पापी अध्यापक बोले मिथ्या से विलास। इसलिए मायावादी क्या कह रहे हैं, भगवान का जो विलास लीला है ना सब मिथ्या झूठा है, वही ब्रह्मा जी कृष्ण राम बन करके लीला करें इनका भी मुक्ति हो जाए। इसलिए जो लीला विलास सबके सब झूठा है, झूठा है सबके सब। इसलिए जे जस्रवण रसे शिव दिगंबर जहा गाए आपने अनंत महाधीर है, जिस कथा सुनते 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 शंकर जी क्या दिगंबर, शंकर नंगे क्यों है, कारण क्या है, केवल भगवान की कथा श्रवण करते 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 हाँ चार जैसे नाचे शिव नाचे नाचे आपने है। इसलिए भगवान की जस श्रवण करते करते शंकर जी नृत्य करते करते कब दिगंबर हो जाते हैं शंकर जी को पता ही नहीं चलता है, है? पता से नहीं चलता है। जब माता देवती को कपिल देव ने कथा सुनाया ना, कथा सुनते 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 इतने कथा में डूब गई माता देवती, बोले पागली होकर के एकदम नंगी होकर के पता नहीं शरीर में कपड़ा है कि नहीं, एकदम उन्माद होकर चल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जब चल रहे थे नंगे धड़ंगे, कुछ है ही नहीं शरीर में, दिगंबर है कृष्ण जस से एकदम पागल होकर के कृष्ण जस से कभी हंस रहे कभी रो रहे कभी नाच रहे कभी लौट पुट गा रहे एकदम कृष्ण प्रेम। इसलिए कहते हैं शंकर जी क्यों ये दिगंबर, केवल कृष्ण कथा श्रवण करते करते दिगंबर है, हैं जहां गाए अपन अनंत महाधीर, कहते अनंत देव अनंत समय से अनंत भगवान की कथा को अनंत मुंह से वर्णन कर रहे हैं,
अभी तक भी कोई अंत पाए नहीं। इसलिए जैसे श्रवणी सुख नारद मत, मतलब जिस कथा सुन करके संकट सुख नारद आदि इसमें मत रहते हैं। चारी बातें बेखने जे ज जसेर महत्व, चार वेद जिसकी महत्व गाते हैं। है न पुण्य कृत प्रति अनादर जार, से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार। महाप्रभु कह रहे हैं है न पुण्य कृति प्रति अनादर जार, ऐसे जो मेरी कथा है ऐसे कथा का प्रति जिनकी अनादर है, से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार। मुरारी गुप्त कह रहे हैं वो कभी भी मेरे महिमा को नहीं जानते हैं, इसलिए गुप्त लख्य सवारे सिखाए भगवान, सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्री मुरारी गुप्त को उपलक्ष्य करते हुए यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, गुप्त लख्य सवार सिखाए भगवान, सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान। इसलिए क्या शिक्षा दे रहे हैं, मेरे विग्रह मेरे सेवक मेरे लीला मेरा धाम क्या है, कहते नित्य, ये सब के सब नित्य है। इसलिए कहते मुरारी गुप्त रे दासे जे प्रसाद पाइल, सही नदी आए भट्टाचार्य ना देखिला। कहते उन्होंने श्री मुरारी गुप्त के प्रति महाप्रभु ने जैसे कृपा की, कहते नवद्वीप में बड़े बड़े जो भट्टाचार्य सटाचार्य और बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं, कहते वो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाए। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपना विग्रह को महाप्रभु स्वयं उन्होंने आलिंगन आलिंगन किया तो उन्होंने श्री मुरारी गुप्त का अपना स्वरूप दर्शन दिला। क्या देखे, बोले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और महाशंख चक्र जैसे नारायण का चतुर्भुज है ना, ऐसे महाप्रभु चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। और उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, जब गरुड़ जी को बुलाया इतने में हनुमान के स्वयं गरुड़ बन गए, और महाप्रभु ने हनुमान के कंधे पर बैठे। अब गरुड़ क्या करता है, भगवान को घुमाता है, इसलिए हनुमान जी क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु है गरुड़ जी के आवेश में होने पर महाप्रभु गरुड़ हनुमान के कंधे पर बैठ करके उन्होंने भ्रमण किया, और सब भक्त लोग को दर्शन करते करते बंगाल में जैसे माताएं उलूद ध्वनि देते हैं और सब लोग जय ध्वनि देते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। हाँ? बोले बाह्य पाया ना मिला गौरांग महाधीर, गुप्तेर गरुड़ भाव हैला सुस्तीर। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना बाह्य उस समय तो संपूर्ण अपना भाव में डूबे हुए थे, जब उनको बाह्य आवेश आया फिर महाप्रभु का धीरे धीरे महाप्रभु अपना रूप में आए, और जो हनुमान जी गरुड़ भाव में अभिष्ट होकर के महाप्रभु कंधे पर बैठा करके उन्होंने घुमाया, धीरे धीरे उन्होंने भी अपना स्वरूप में आए, और भक्त लोगों ने इस सब चीज को दर्शन करते हुए बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े हैं बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु की जयकार दी। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम लीला।